आज से ना 6 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ना एक फोटो डाली थी लॉकडाउन विद एक्स गर्लफ्रेंड, और भाई साहब मेरे को ना लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई तेरे मजे हैं तू, मतलब लॉकडाउन में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। तो यार मैं आपको बता दूं, जो मैंने वीडियो बनाई है ना अभी ओयो रूम वाली, इससे पहले इसका नाम लॉकडाउन विद एक्स गर्लफ्रेंड था, एक्स गर्लफ्रेंड था, ओयो रूम मैंने उसके बाद रखा है। सारे वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल, आई होप आप सारे अच्छे हो गए। तो सुबह ना मैं व्लॉग अपलोड कर रहा था और मैंने गलती से अपने मेन चैनल पे व्लॉग अपलोड कर दिया, पर टच वर्ड जो वो लिंक था अनलिस्टेड था, अच्छा हुआ पब्लिक में वो व्लॉग अपलोड नहीं हो गया। अब फाइनली वो मैं अपने व्लॉग चैनल पे ही अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई अगर अब भी ये गलती से मेन चैनल पे अपलोड हो जाता तो बहुत बड़ा पोपट हो जाता। बाकी मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि जो हमारी लाइट्स हैं, हमारी लाइट्स आ चुकी हैं, तो ये पड़ी हैं हमारी लाइट्स, तो ये हम ना थोड़ी देर में अपनी लाइट्स को करेंगे अनबॉक्स और आपको भी दिखाएंगे कि मतलब कि मैंने लिया क्या है। मतलब ये तो आज वाले व्लॉग में अनबॉक्स करूँगा या कल या परसों वाले व्लॉग में अनबॉक्स करूँगा, डिपेंड्स मेरे शेड्यूल पे, मेरे काम पे, बिकॉज मेरे को 2-3 काम है, मेरे को मीटिंग करनी है। एक्चुअली मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसकी एक मीटिंग है, तो मैंने कहा एक बार ज़रा चीज़ें फाइनलाइज़ कर लें, उसके बाद जैसी फ्री होते हैं फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। और रही बात वेट लॉस की, मेरे को ना यार बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि साहेब भाई आपने वेट लॉस करा, हमारी भी हेल्प कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो गाइज मेरे को पता आपको अभी तो इतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी, पर आपको मोटिवेशन कब मिलेगी, जब मैं आपको अपनी ना प्रॉपर शर्टलेस फोटो दिखाऊंगा कि मैं क्या था और मैं क्या बन चुका हूँ 3 महीने में। बट अभी भी मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसे दिखाने में, पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो वेट लॉस है ना वो और हो जाए, कि मतलब मेरे को ऐसा लगे कि अब मैं अपना शरीर आप लोगों को दिखा सकता हूँ और आई फील कंफर्टेबल इन इट, तब दिखाता हूँ। 5-6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा। और बाकी जो अपना रूम है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी है। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं ना अपना होटल चेंज करूँगा, पर मैं नीचे गया तो मैंने इनको बोला यार मेरे को ना 2 दिन की डील बताओ कि आप 2 दिन की मुझे क्या डील दे रहे हो। तो इन्होंने मुझे अच्छी खासी डील दे दी। मैं सोच रहा था कि रेडिसन चले जाऊँ, बट यार मेरे को लगता है रेडिसन ना दूर भी है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो मैं ऐसा कोई वेकेशन पे नहीं आ रखा हूँ तो मैं रेडिसन ले नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर रुक रहा हूँ क्योंकि काम करने आया हूँ और होटल में रुकना भी नहीं है, होटल में बस सोने जाता हूँ, तो इतना एक्सपेंसिव होटल लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। जिम तक नहीं खुले, अगर जिम भी खुला होता ना तो मैं इतना महंगा होटल ले लेता क्योंकि मैं जिम कर लेता, स्विमिंग कर लेता। बट मेरे हिसाब से जो ये जिस प्राइस में मैंने होटल लिया ना उतने में वो वर्थ है। एंड बाकी गाइस आजकल के टाइम पे ना लोग अपने मतलब फेस पे ध्यान देते हैं, मॉइस्चराइज करेंगे, हर चीज़ करेंगे, पर अपनी ना स्किन की केयर करना भूल जाते हैं। अब आप लोग अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हो, तो गाइस मैं अपने स्किन रूटीन में यूज़ करता हूँ वाओ लाइफ साइंस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। और मतलब जो ये ऑयल है ना ये आपकी स्किन के लिए काम नहीं आता, ये और भी मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेसिकली जो ये ऑयल है दिस इज़ अ मल्टीपर्पस ऑयल। इस ऑयल को ना आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो टू मेक योर स्किन सॉफ्ट, और साथ ही साथ अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपके बाल हेल्दी हो। और ये भी नहीं मतलब आप इसको कुकिंग तक के लिए यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द रीज़न आई एम कॉलिंग इट मल्टीपर्पस ऑयल। और जो ऑयल है ना ये रॉ कोकोनट से बना है, बाई प्रेसिंग दी रॉ कोकोनट ऑयल, एंड दिस ऑयल इज़ दी प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। और इस ऑयल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना मतलब हम लिटरली सोच भी नहीं सकते। एक तो इसमें लॉरिक एसिड है विच इज रियली गुड टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, और आजकल के टाइम पे इम्यूनिटी बूस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें विटामिन ई है और साथ ही साथ इसमें नो कोलेस्ट्रॉल है और इसमें नो ट्रांसफैट है विच इज रियली गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो गाइज आजकल के टाइम पे लोगों को वैसे भी हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ रहा है और मतलब लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि वो ट्रांसफैट खाएं, कोलेस्ट्रॉल खाएं, तभी उनकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। बाकी यार मैं वाओ लाइफ साइंस के प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं ना वो किसी भी हार्मफुल केमिकल से नहीं बनते हैं, और बाकी पर्सनली मतलब मैं इनकी ब्रांड को ट्रस्ट कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो गाइज प्रोडक्ट के पीछे दिए QR कोड को आप स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सो गाइज किस चीज की वेट कर रहे हो, फटाफट से जाओ और वाओ की ऐप को डाउनलोड करो फॉर अ सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस। और अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है साहिब20 तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, तो फटाफट से जाओ और जाके वाओ के प्रोडक्ट्स शॉप करो। गाइस मतलब सीन ऐसा हो रखा है कल से ना मैं प्लान कर रहा हूं, मैंने स्किपिंग रोप लेनी है, मैंने रेजिस्टेंस बैंड लेना, मैं मतलब जा ही नहीं पा रहा, मैं सोच ही जा रहा हूं कहां से लूं। तो आज मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कल मैं पैसिफिक मॉल गया तो मैं डीकैथलॉन क्यों नहीं गया, तो मैं सोच रहा हूं मैं जरा डीकैथलॉन जाके ना ये सब खरीद लूं, बिकॉज डीकैथलॉन हैज सम गुड प्राइसेस। मतलब जैसे अगर मैं बाहर से भी स्किपिंग रोप लेता हूं तो दैट इज प्रीटी एक्सपेंसिव, एंड आई फील कि डीकैथलॉन में ना
प्राइजेस अच्छे खासे हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैं डीकैथलॉन जा रहा हूँ और वहीं पर जाके कुछ अब सामान लेता हूँ स्पोर्ट्स का ना, वहाँ पे शायद टी शर्ट्स एंड ऑल भी मिल जाएंगे क्योंकि मेरे कपड़े खत्म हो चुके हैं, तो अच्छे खासे कपड़े भी ले लेते हैं, 3-4 टी शर्ट्स ले लेते हैं, और टी शर्ट्स भी 100-150 रुपए की मिल जाती है प्लेन टी शर्ट्स, तो वहीं चलते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि हम क्या ले रहे हैं। तो फाइनली हमें स्किपिंग रोप मिल चुकी है और हमें रेजिस्टेंस बैंड भी मिल चुका है और हमने बहुत सारे कपड़े भी शॉप कर लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था मैंने टी शर्ट्स लेनी है, बाकी अभी हम देख रहे हैं कि जिम के लिए थोड़े से और कपड़े मिल जाए। आई बेसिकली लाइक डीकैथलॉन क्योंकि ना इनके प्राइसेस अच्छे हैं, अगर हम नाइक एंड ऑल से लेते हैं ना उनका बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट आई फील स्मॉल तो टाइट आएगी है ना, इसमें मीडियम दिखा दो मीडियम, वैसे ना मीडियम भी नहीं आएगी, पर पता क्या होता है वो मीट छोटा ले लो ना साइज तो मोटिवेशन मिलती है कि अब फिट इन करना है कुछ भी करके। मीडियम 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 कहाँ है, अच्छे हैं शॉर्ट्स इज ऑल्सो प्रीटी गुड। ये मेरे को ना अभी एक मतलब समझ नहीं आता क्या बोलते हैं इसे, पर ये कुछ मिला है जो मतलब इसे बास्केटबॉल लिखा है ना, इट लुक्स फकिंग कूल, और ये मतलब रिवर्सिबल है। अब कहीं जाना है हमें कुछ खाने, तो मैं जा रहा हूँ शेक्सपियर कैफे बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट फिश, मे बी फिश और चिकन ब्रेस्ट, और उनकी फिश और चिकन ब्रेस्ट मेरी फेवरेट है एंड आई लव देयर फूड, तो मैं उनकी शॉप पे जा रहा हूँ मतलब कैफे जा रहा हूँ और जाके खाना खाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि भाई थोड़ा यार एनर्जी भी तो चाहिए ना यार, इतना काम करा है, इतना कुछ करा है, अभी ब्रांड से भी मीटिंग करी है, सब करा है, तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एनर्जी के लिए खाएंगे हम हेल्दी खाना। और वैसे भी देख लो यार, अब जैसे मैं हेल्दी खाता हूँ ना, तो जिस दिन अगर मैंने खाया भी नहीं होता ना, तो जो थोड़ा बहुत हेल्दी पहले खाया होता है उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी बची होती है, तो तुम्हारा भाई फिर भी ना फुल एक्टिव रहता है, यही अगर गंदा खाना खाया होता ना तो गाड़ी चलाते हुए भी नींद आ रही होती है कि भाई क्या खा लिया क्या कर लिया, तो ये भाई हेल्दी का ही फायदा होता है। और गाइज मैं तो आप लोगों को भी ना आपसे यही प्रमोट करूंगा, प्लीज 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 आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गाइज जितना हो सके उतना हेल्दी खाओ, मतलब ठीक है मतलब खाओ थोड़ा मसाले मसाले वाले भी खाओ, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हो उसे अवॉइड करो, स्पेशली बाहर का खाना, घर का खाना फिर भी इट्स गुड ठीक है, लेकिन जितना हेल्दी हो सके ना प्लीज हेल्दी खाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं घर का खाना हेल्दी होता है, बट दे डोंट रियलाइज कि जो उनके घर में वो तड़के लगते हैं और जो तवे पे जो तुम इतनी सब्जियां ओवर फ्राई कर देते हो ना, सारा न्यूट्रिशन डाई हो जाता है, तो खाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक मतलब मतलब खाली खाली न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहे हो तुम, विदाउट एनी न्यूट्रिशन, बस पेट भरने वाली बात है। तो यार थोड़ा ना रॉ खाना खाओ, क्योंकि घर के डॉग में और एक जंगली कुत्ते में ना बहुत फर्क होता है, तो जंगली कुत्ता बनो। तो बस थोड़ी देर पहले मैंने अपने लिए फ्रूट बॉल मंगाया, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा फ्रूट्स खा लेते हैं, साथ ही साथ मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ना इस बार स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का रेजिस्टेंस बैंड लेकर आया हूँ एंड साथ ही साथ स्किपिंग रोप भी लेके आया हूँ। भाई स्किपिंग रोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्किपिंग है ना, मैं दिन की आपको बताया था कि 2000 करूँ मतलब करनी पड़ती है। भाई कहाँ गया सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस बैंड, तो ये वाला बैंड थोड़ा डिफरेंट है और मेरे को लगता है कि ये वाला बैंड नहीं टूटना चाहिए। बाकी मैं अभी ना एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ एडिट करने का, ब्रांड तुम्हें पता तुम्हारे भाई की वीडियोस में कितनी ज़्यादा ब्रांड्स होती हैं ना, तो वो ब्रांड वाला पार्ट एडिट कर रहा हूँ। So it's time to go for a walk and little running. और guys, होटल के बाहर ना अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और मतलब इतने सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि भाई आप इस होटल में हो, मतलब स्पेशली गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा के जा रहे हैं और टैग कर रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो प्यार करते हो। तो guys, मेरी गाड़ी जरूर यहाँ रहती है पर मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं बेसिकली किसी फ्रेंड के साथ होता हूँ या काम पे गया होता, तो मेरी गाड़ी यहीं रहती है, मैं गाड़ी ज़्यादा चलाता नहीं हूँ क्योंकि ना अवॉइड ही करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं डेली गया था मैं चंडीगढ़ गया था ना, तो मेरी गाड़ी की आरसी सीज हो गई थी, तो अभी तक वो चंडीगढ़ में ही है, तो अभी मैंने छुड़वानी है अपनी आरसी, तो मैं ज़्यादा चलाता नहीं क्योंकि अगर अभी कुछ चलान कट गया कुछ फाइन हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, गाड़ी कंपाउंड हो जाएगी, तो इस रीज़न से मैं गाड़ी अभी चलाता नहीं हूँ। कि ना मेरे को ना एक चीज़ का बहुत फील होता है, जहाँ मेरा होटल है ना मैं रोज़ वॉक कर रहा हूँ, 3-4 दिन हो चुके हैं मेरे को, तो मतलब यहाँ पे ना फुटपाथ्स हैं भाई, यहाँ पे फुटपाथ पे इतने लोग सोते हैं, मतलब बढ़िया गाने गुने बजाए होते हैं, चिल मार रहे हैं, मतलब कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, चिल मार रहे होते हैं। तो मैं ना ये चीज़ देखता हूँ कि हमारे पास ना सब होने के बाद भी ना हम इतना परेशान रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं है, उनको तो भगवान ने यार घर तक नहीं दिया हो, फिर भी फुटपाथ पे सो रहे हैं, फिर भी ना लोग इतने चिल रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। तो यार आप लोगों को बस ये कहना चाहूँगा कि मतलब भगवान ने जितना दिया है ना उसमें खुश रहो और उसको एज
मतलब जितना एज बेस्ट कर सकते हो ना और जितना एज बेस्ट रिसोर्स यूज कर सकते हो उसको यूज करो एंड स्टे हैप्पी। एक घंटा वॉक करके आई हैव केम बैक, ठीक है। अब मुझे सोना है तो सोने से पहले मैं पी रहा हूँ वे प्रोटीन, तो ये नॉर्मल से एक वे प्रोटीन ले रहा हूँ और इसका जो टेस्ट है दैट इज ठंडाई फ्लेवर, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल फ्लेवर है। अगर मैं बताता हूँ आपको, अगर आप पानी लेते हो ना, पानी लेकर इसको फ्रीज कर देते हो और थोड़ा सा उसमें मिल्क डाल देते हो और जो कुल्फी वाली ट्रेनी आती है, कुल्फी बनती है बेसिकली, उसमें आप इसको जमा दो, 3 से 4 घंटे रख दो और भाई क्या कुल्फी बनती है। मतलब आपको लिटरली ऐसी फील आएगी कि आप कुल्फी पी रहे हो और इसका जो टेस्ट है इट्स प्रिटी गुड। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं माई प्रोटीन का यूज़ कर रहा हूँ। और एक और चीज़ यार, अपना बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे कि साहिब भाई आप इतना लीन हो ही जा रहे हो, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है? तो मैं आपको ना 2 व्लॉग्स के बाद बताऊँगा कि जो ये मोटिवेशन आ रही है ना और जो ये मोटिवेशन आई है ये मुझे कहाँ से आई है। मतलब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। मतलब मोटिवेशन तो रहती थी पर जो ये कि ये रियल मोटिवेशन आई है ना, जिसने मतलब कहा कि अब भाई बस अब करना है, अब बहुत हो गया, तो मैं वो आपको बताऊंगा परसों वाले ब्लॉग में। कल अभी हम जा रहे हैं, मैं, दमन पाजी और हरसिमरन पाजी, हम तीनों कल बाइक राइड पे जा रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे उठना है और अभी ऑलरेडी 1 बज चुका है, तो सुबह सुबह हम राइड पे जाएंगे। तो राइड पे तो मैं ज़्यादा उस बारे में बात कर नहीं पाऊंगा मोटिवेशनल पार्ट के बारे में, पर जो ये मोटिवेशन कहाँ से आई है ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा परसों वाले व्लॉग में जब मैं देहरादून वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे को परसों देहरादून वापस जाना है। अब 1 हफ्ता हो चुका है वीडियो डिलीवर, ऑलरेडी 2 लाख व्यू हो चुके हैं, तो अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। तो अगर आपने मेन चैनल की अभी तक वीडियो नहीं देखी ना तो जाके मेन चैनल की भी वीडियो देख लेना, अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। आज से ना 6 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ना एक फोटो डाली थी लॉकडाउन विद एक्स गर्लफ्रेंड, और भाई साहब मेरे को ना लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई तेरे मजे हैं तू मतलब लॉकडाउन में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। तो यार मैं आपको बता दूं, जो मैंने वीडियो बनाई है ना अभी ओयो रूम वाली, इससे पहले इसका नाम लॉकडाउन विद एक्स गर्लफ्रेंड था, ओयो रूम मैंने उसके बाद रखा है, ठीक है। तो जो मैंने वो टाइटल डाली थी ना लॉकडाउन विद एक्स गर्लफ्रेंड, वो मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ लॉकडाउन नहीं कर रहा हूँ गाइस, वो मैंने जो टाइटल डाली थी लॉकडाउन विद एक्स गर्लफ्रेंड, वो मैंने ये डाली थी कि जो वीडियो है वो आने वाली है और लोग फील ले गए कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ लॉकडाउन कर रहा हूँ। तो भाई साहब तुम्हारा भाई रिलेशनशिप में है, मेरी फैमिली फूमली भी होती है, तो अगर कुछ कमेंट मारते हो ना तो प्लीज़ सोच समझ के थोड़ा कमेंट मारा करो, क्योंकि तुम्हारा भाई ना चाहे काम ले लो चाहे कुछ भी ले लो, भाई तुम्हारा भाई ना बहुत लॉयल रहने वाला बंदा है। तो बाकी अगर आपको आज के ब्लॉग अच्छा लगा और थोड़ा मोटिवेशन लगा, आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिली जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ और जो मैं पूरा शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, और ऐसी सपोर्ट करो, प्यार करो। और आज से मैं पिछले ब्लॉग के बेस्ट 3 कमेंट्स डेली डालूंगा और 1 कमेंट डेली पढ़ूंगा, तो कल से शुरुआत करते हैं, पर आज मैं 3 कमेंट्स डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ पढ़ लेना और अब से ना डेली कमेंट्स करना स्टार्ट कर दो।